नमस्कार, मैं नीलिमा मित्तल बोल रही हूँ। आज हम पनीर के पकौड़े बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो ये है। बेसन 2 कप लिया है हमने, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 3/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 पिंच हींग और 3/4 टीस्पून नमक या जितना आपको पसंद हो। उसके अलावा पनीर, ये 300 ग्राम पनीर है। वैसे आपको जितने पकौड़े बनाने हैं उसके हिसाब से पनीर लें। और ये चटनी जो हम इस पनीर के अंदर लगाएंगे, ये चाट मसाला भी पनीर के अंदर भी लगाएंगे और ऊपर से भी हम छिड़केंगे। और पानी घोलने के लिए बेसन। और अब हमने ये जो पनीर है इसको हमने करीब 3 इंच लंबे और करीब 1 इंच 1.5 इंच जैसे भी आपको ठीक लगे इतने चौड़े इसके काट लिए। और इसके बाद इसको मोटाई इसकी करीब 1/4 इंच है। अब उसके बाद हमने इसको क्या है ऐसे स्लाइड कर दी, जो स्लिट कर दिया बीच में से, दो अलग नीचे से जुड़ा हुआ है, बाकी पूरा नीचे से थोड़ा जोड़ के रखा है, बाकी काट दिया है। अब इसके अंदर हम ये ऐसे चटनी लगाएंगे एक साइड पर, और एक साइड पर चाट मसाला डालेंगे। इसको बंद कर देंगे, ऊपर से फिर चाट मसाला डाल देंगे। इसी तरह से सबको तैयार कर लेंगे। एक और मैं करके दिखा देती हूँ। इस तरह से सारे को लगा लेंगे। और उसके बाद हम बेसन घोलेंगे और गैस ऑन कर देंगे। पहले हम गैस ऑन कर देते हैं, कढ़ाई में घी डाला हुआ है हमने, फिर डाला हुआ है। अब इसमें ये सब सामान डाल देते हैं, हींग, धनिया, मिर्ची, सौंफ और ये नमक। अब हम इसको फेंट लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें, लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। धीरे धीरे करके पानी डालते जाएंगे और अच्छे से फेंट लेंगे इसको। बेसन हमारा घुल गया है, अच्छी तरह फेंट लिया है हमने से, और ये अब तैयार है पकौड़े बनाने के लिए। तब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। तेल भी गर्म हो गया, बस उनकी पकौड़े तैयार ही है। तो इसमें ज़्यादा तो कुछ ऐसा है नहीं पकाना है, बस खाली बेसन की कोटिंग पकानी है। बहुत तेज आँच पे नहीं करना है, मीडियम आँच पे। पकौड़े हमारे सिक गए हैं, हम उतार देंगे। उसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और सर्व करेंगे। अब हमारे पनीर के पकौड़े बन चुके हैं, अब आप टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे बने हैं। अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए।